हेलो गाइस, व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेक्निकल टॉक्स। सो गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे होंडा इवेटी और BS6 के बारे में, इंडिया में कब तक लॉन्च होने वाली है और बाकी क्या क्या सारी चीज़ें, प्राइस वगैरह सारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। I got them coming at me all angles. Ever since they heard my music, wanna tangle. I can feel them try to grab me by the ankles. I can hear them all start to say my name. तो गाइज, BS6 की एवेटियोर की बात करने से पहले BS4 वाली एवेटियोर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एविएटर, एवेटियोर अलग अलग चीज़ों से नामों से बुलाते थे लोग। गाइज, BS4 की एवेटियोर डिसकंटिन्यू हो गई थी 2020 के फरवरी में, होंडा ने ऑफिशियली इसको कह दिया था। इसका रीज़न बस यही था कि इतना ज़्यादा सेल्स में बिक नहीं पा रही थी, क्योंकि लोगों के मन में कुछ गलत फहमियाँ थी इसके लिए। जैसे कि लोग मानते थे इसका वेट ज़्यादा एक्टिवा से, जबकि एक्टिवा का वज़न 109 किलो था, इसका 106 था। इसका कम था, लेकिन फिर भी लोग एक्टिवा को प्रेफरेंस देते थे कि उसका कम वज़न है, लेकिन गाइस इसका उल्टा था। और एक जो मेन इसमें डिसएडवांटेज रहा उसका है कि इसमें आपको फाइबर बॉडी देखने को मिलती थी ज़्यादातर, जबकि एक्टिवा में आपको मेटल बॉडी देखने को मिल जाती थी। गाइस, बस इसी के कारण थोड़ी सेल्स में नीचे रहती थी, एक्टिवा ज़्यादा ऊपर रहती थी। लेकिन गाइस, एक्टिवा से ज़्यादा फीचर्स थे इसमें। जैसे उस टाइम भी इसमें टेलीस्कोपिक फोक देखने को मिल जाते थे आगे की तरफ, जबकि होंडा में वही पुराने वाले सस्पेंशन होते थे आगे। और इसके बाद बात करें तो गाइस, काफ़ी मतलब डिज़ाइन में काफ़ी अच्छी लगती थी। ज़्यादातर ये मेल सेंट्रिक, मतलब लड़कों के लिए बनाई गई थी ज़्यादातर होंडा के उसके हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि थोड़ी स्पोर्टी सी तो नहीं लगती थी, मतलब ऐसी थोड़ी भारी सी लगती थी देखने में वो। इसलिए गाइस काफ़ी, मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद था इसका डिज़ाइन वगैरह, क्योंकि एक्टिवा कॉमन हो जाता था डेली कम्यूट के लिए और ये थोड़ी सी अलग लगती थी। तो गाइस अब मेनली, अब ठीक है, अब इसके बाद गाइस ये देखो, इसमें जो मेन एक और बात थी कि इसमें एनालॉग मिलता था स्पीडोमीटर वगैरह, लेकिन उस टाइम एक्टिवा में भी मिलता था। तो गाइस अब मुझे तो कुछ ज़्यादा लगता नहीं था सेंस, लेकिन इसका थोड़ा गोल्ड डिज़ाइन में लगता था ना एनालॉग, तो ये काफ़ी अच्छा लगता था स्पीडोमीटर वगैरह, अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो। अब गाइस बात करें BS6 की एवेटी और कब लॉन्च होने वाली है, तो गाइस देखो, इसका तो अभी कुछ होंडा की तरफ से ऑफिशियल कन्फर्मेशन है नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एक साल के अंदर अगर होंडा को करना होगा तो वो लॉन्च कर सकती है। और प्राइस जो थी 6G की तरह सेम थी उसकी 5G की तरह, तो उतने जी सीरीज की तरह, तो इसकी भी आप ऑन रोड प्राइस मान के चलो 80,000 से 82,000 तक इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, कोरोना का टाइम चल रहा है, तब तक मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और बाय।